नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि पहाड़ी टोपी प्रदेश की वृहद एवं समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी टोपी को वैश्विक स्थान पर उत्तराखंड की नई पहचान के रूप में प्रदर्शित किया है। उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इसके साथ ही मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि दरअसल इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि राष्ट्रपति पहली बार उत्तराखंड पहुंच रही हैं और इस दौरान राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड तैयार है, लिहाजा स्वागत के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, सभी तैयारियां अंतिम रूप में हैं। हमारे लिए बड़ा शुभ क्षण है और माननीय राष्ट्रपति जी 8 और 9 तारीख को 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आ रही हैं, तो उसमें उनके अनेकों अनेक कार्यक्रम हैं, जहाँ एक सिविक रिसेप्शन होना है, राजभवन में उनके कार्यक्रम होने हैं, दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, लवासना में भी कार्यक्रम है, तो हम सब उन्हीं की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, बहुत भव्य होगा, हम उनका स्वागत करेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पहाड़ी इलाकों में हो रहे गुलदार के हमलों पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि वन अधिनियम के बदलाव को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता भी है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा गुलदार प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ाने, उपकरणों और कर्मचारियों में भी बढ़ोतरी हो, इस पर भी काम किया जाएगा ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गुलदार के हमलों को रोका जा सके। देखिए, मेरे क्षेत्र में तो अभी तक जो भी घटना हुई है तो तुरंत वन विभाग ने जो है जो बाघ है उनको पकड़ने का भी काम किया है, लेकिन अभी तक जो वन अधिनियम है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें हों। तो मुझे लगता है कि उसको कैबिनेट में लाने की भी बात चल रही है और वन मंत्री से मैंने भी खुद बात की है और अभी ये भी बात आ रही है कि भाई हम थोड़ा से वन विभाग में जितने कार्मिक हैं उनके उनकी गश्त भी बढ़ाई जाए। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। सीएम धामी और धन सिंह रावत ने शिविर का शुभारंभ किया, जहां शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे और इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शिविर का हिस्सा रहे। दरअसल शिविर में सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की समीक्षा की गई। पिछले दिनों मसूरी में हुए सरकार और शासन के चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही इस चिंतन शिविर का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य की सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकास की योजनाएं संचालित कर रही हैं। ऐसे में कोशिश यही है कि उन विकास योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश की जनता को मिल सके। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दर्शक को उत्तराखंड का बताया, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि विकास की योजनाओं से राज्य की जनता को साबित किया जाए, जिससे जनता को डबल इंजन की सरकार के कामों का प्रभाव देखने को मिल सके। प्रदेश अब अपने 25 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, ये जो शताब्दी है, ये सदी जो है, ये उत्तराखंड की सदी है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने और हमारे प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक न्याय पंचायत तक विकास के जो काम हैं वो बेहतर ढंग से हो सके, जो प्राथमिक ज़रूरतें जो हैं क्षेत्र की वो बेहतर हो सके, इन सब चीज़ों में विधायकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और निश्चित रूप से जब विधायक लोग इस चिंतन शिविर में आएंगे, अपनी अपने क्षेत्रों की बातें वो चिंतन शिविर में रखेंगे, तो एक बेहतर रोड मॉडल, एक बेहतर काम करने का हम जो मैप है वो उत्तराखंड के लिए तैयार।
उत्तराखंड में बीजेपी नेता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि धामी सरकार की बढ़ती उपलब्धियों को विपक्ष देख नहीं पा रहा है, इसलिए उनके द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट का सहारा लिया जा रहा है। धामी सरकार को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विधायक सभी एक सुर में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धामी सरकार प्रदेश में विकास के काम कर रही है, जनता को सरकार की योजनाओं का मिलने लगा है लाभ और इसीलिए विपक्ष के पास और कुछ नहीं बचा है तो सरकार को बदनाम करने में जुटी हुई है। विपक्ष को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष आपस में बहुत ज्यादा हदात है, उनका जिस तरह से अब द्वंद्व चल रहा है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। विकास लगातार हो रहा है उत्तराखंड का और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी कुछ आगे भी होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष एकदम कभी कभी आग बबूला हो जाता है, उनका दायित्व तो भी है, कर्तव्य भी है, उनको करना भी चाहिए, इससे सरकार भी और सचेत होती है, किंतु उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन है और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ कांग्रेस का पुराना स्वभाव है। एक तो उन्हें सत्ता मिल नहीं रही इसलिए उनमें बौखलाहट है, और दूसरे अनेकों योजनाएं उनके पास सिर्फ बात करने के लिए है। वो शासन में रहे, देश में भी प्रदेश में भी, तब उनको कुछ ध्यान नहीं आता, लेकिन वो अच्छे विपक्ष बनने का प्रयास करते हैं, वो भी नहीं बन पा रहे। मुझे लगता है कभी टूल किट के माध्यम से, कभी अनेक आरोपों के माध्यम से, कभी किसी और उससे, उनके पास ना मुद्दे हैं ना उनको लेके चलने का आजकल मादा है। उनमें एक ही खासियत है कि वो आपस में अच्छा लड़ सकते हैं। मसूरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी को दोषी मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी के साथ कई ऐसे अपराध प्रदेश में हुए जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है, ये सब बीजेपी की विफलता है, जिसके आधार पर डीजीपी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में है, चाहे केंद्र में है, चाहे राज्य में है, उनका ध्यान केवल ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण पर है। कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं, कभी मज़ार और मंदिरों की बात करते हैं, कभी जबरन धर्मांतरण की बात करते हैं, पिंकी के न्याय की बात नहीं करते, अंकिता के न्याय की बात नहीं करते। आपका जो कल बिपिन रावत मरा, उसको 10 दिन FIR करे हुए हो गए थे, परसों उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो है कार्रवाई हो रही है, तो उसके न्याय की बात ये नहीं करते, बेरोजगार बच्चों की बात ये नहीं करते, SSSC में जो भर्ती घोटाला हुआ, सचिवालय में भर्ती घोटाला हुआ, पुलिस में भर्ती घोटाला हुआ, उसकी बात ये नहीं करते, ये बात नहीं करते बैकडोर भर्ती से विधानसभा में जो हुआ उस पर ये बात नहीं करते। देहरादून में DAV PG कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। दरअसल ये विवाद छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर हुआ है। और खबर रामनगर से है, जहां भूमि के आकलन को लेकर आज तहसील में मीटिंग की गई, जिसमें भारत सरकार के शासनादेश के क्रम में 30/7/1992 के अनुसार ग्राम धारा झिरना कोटीरो को और लालढाक के कुल क्षेत्रफल 403.63 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को दिया गया था, जिसमें तहसील कोटद्वार के ग्राम धारा झिरना मल्ला झिरना तल्ला कोटीरों के कृषकों को वहां से विस्थापित करते हुए शासन ने उस जगह को कार्बेट पार्क को हस्तांतरित कर दिया गया। DFO ने इसको लेकर विभाग के SDO को निर्देश दिए हैं और वो उपजिलाधिकारी काशीपुर के साथ संपर्क करके एरिया का सर्वे करवाएंगे और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। धारा झिरना कोठीरो का जो एरिया था, जो जब कॉर्बेट को दिया गया, तो उसको उस गांव में जो लोग रहते थे उनको विस्थापित किया गया मानपुर फिरोजपुर में। तो वो मानपुर फिरोजपुर का जो क्षेत्रफल था वो 106.52 हेक्टेयर था, जिसको कि उनका रेवेन्यू विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया था, और ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने उसको राजस्व भूमि घोषित करते हुए लोगों को जमीन बांट दी गई थी। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि साहब वो जो जब बंदोबस्त हम करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो बंदोबस्त में जब वो एरिया मिलान कर रहे हैं तो वो एरिया उतना नहीं आ रहा जितना कि वास्तव में जो शुरू में दिया गया था। वहीं देहरादून में DIT कॉलेज में उच्च शिक्षा चिंतन शिविर के तहत राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन कार्यशाला और
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य के नैक प्रत्यायन की क्वालिटी फैक्ट रिपोर्ट, अनुशंसा रिपोर्ट और इनोवेशन इन हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ उद्यमिता संवर्धन के लिए MOU साइन किया गया और इसके साथ ही छात्रों को वर्चुअल लैब की सुविधा देने के लिए अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम केरल और कंप्यूटर दक्षता और IT विशेषज्ञता के लिए एडुनेट IBM के साथ भी MOU साइन किया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल, सेवानिवृत्ति उप निदेशक कर्नल MS जोधा सेवानिवृत्त ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहने वाले अपने वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे अब। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में MCA चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर जमकर जश्न मनाया गया। देहरादून के आरा घर चौक पर मिठाई खिलाते और जीत का जश्न में ढोल के धुन पर नाचते आम आदमी पार्टी और इसी पार्टी के रीति नीति की जीत मान रही है, जिसे जनता पसंद करती है। जीत के जश्न में पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वय ज्योतिन्द्र, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पी रतूड़ी सहित महिला कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रायपुर रोड पार्क इंदिरा मार्केट के समीप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 257 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर वहां भूमि पूजन किया। वहीं साथ ही साथ 767 लाख की विभिन्न जनसेवाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण भी किया। लाभ मिलेगा और यह योजना इस क्षेत्र के लिए एक विकास के मील के पत्थर के रूप में साबित होगी और इस योजना के बन जाने से जहां हमारे अनेकों लोगों को लाभ होगा, वहीं शहर में आवागमन करने वालों को, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा और हमारा प्रयास है कि जल्दी से गुणवत्तापूर्वक ये सभी योजनाएँ पूरी हों। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो, जल्दी से जल्दी योजनाएं पूरी। मैं कहना चाहूँगा कि शिलान्यास इसका बहुत पहले ही हो चुका था। हरीश राव जी ने इसका शिलान्यास किया था किंतु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और यहाँ पे बहुत सारा दुकानें थी, मार्केट था, इसको खाली भी नहीं करवाया गया था। किंतु मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब से धामी जी की सरकार आई ये जगह भी खाली हुई और आज इसका भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत अब 242 करोड़ के लगभग है। और आज उसके साथ साथ मेरी विधानसभा के जो और कार्य थे PWD के द्वारा, जल संस्थान के, जल निगम के द्वारा, लघु सिंचाई के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, वो उसका भी आज शिलान्यास और बाकायदा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व के चलते उत्तराखंड राज्य में जहां विकास की गंगा बहाने में लगे हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां पर विकास के लिए लाखों करोड़ों की सौगात और घोषणा और बजट देने का काम भी कर रहे हैं ताकि हर क्षेत्र में समुचित विकास हो सके। इस रिपोर्ट को देखिए। दून में पहले स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग और शहर को डेवलप करने का काम किया गया, फिर उसके बाद इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट प्लान का शिलान्यास भी किया गया, जो उत्तराखंड की राजधानी को एक नया स्वरूप देने का काम करेगा। BJP विधायक दावा कर रहे हैं कि धामी सरकार जो दावा करती है उसे पूरा भी करती है। इन कदमों से दून की सूरत बदल जाएगी।
शिलान्यास इसका बहुत पहले ही हो चुका था, हरीश राव जी ने इसका शिलान्यास किया था, किंतु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। और यहाँ पे बहुत सारा दुकानें थी, मार्केट था, इसको खाली भी नहीं करवाया गया था। किंतु मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब से धामी जी की सरकार आई ये जगह भी खाली हुई और आज इसका भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत अब 242 करोड़ के लगभग है। और आज उसके साथ साथ मेरी विधानसभा के जो और कार्य थे PWD के द्वारा, जल संस्थान के, जल निगम के द्वारा, लघु सिंचाई के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, वो उसका भी आज शिलान्यास और बाकायदा लोकार्पण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब भी वही पुराने आरोप के जरिए सरकार की साख पर सवाल उठाकर सरकार की घोषणा को जुमलेबाजी का नाम दे रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ शिलान्यास कार्यक्रम में ही व्यस्त है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे में उन परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल राज्य के सामने खड़ा है। सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति सरकार की कैसी है, और केंद्र सरकार से आपको स्पेशल पैकेज कहीं मिल नहीं रहा है। 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ का जो GST का कंपनसेशन मिलता था वो भी जुलाई के बाद नहीं मिला है। प्रदेश की जो माली हालत है बहुत ख़राब है, फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है सरकार की तरफ से। इस केवल केवल शिलान्यास और ये केंद्र पोषित योजनाओं का जरूर कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये केवल दिखावा है और विकास से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में विकास के क्षेत्र में जिन घोषणाओं को ऐतिहासिक बता रही है, उन घोषणाओं को पूरा करने का दावा भी कर रही है। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति चाहे जैसे भी हो, धामी सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य में विकास की इबारत लिखने का दावा कर रही है। देहरादून से मैं कैंद्र रिपोर्ट। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।